नमस्कार दोस्तों, तो एक बड़ी खबर सामने आई है। हाइड्रोसील का देसी इलाज कराना पड़ा, महंगा वैद्य ने चीरा लगाकर सिरिंज से निकाला पानी, हालत बिगड़ने के बाद हो गई मौत। दो गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में हाइड्रोसील बीमारी का देसी इलाज करवाने वाले 42 साल के एक मरीज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक वैद्य ने मरीज का देसी इलाज किया था। वैद्य ने पहले सर्जिकल ब्लेड से चीरा लगाया था, फिर सिरिंज से जमा पानी को निकालकर टांका लगा दिया था, जिसके बाद मरीज का एकाएक खून निकलता गया। मरीज की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे पहले जिला अस्पताल लेकर आए, फिर यहां से उसे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। यह पूरा मामला माकड़ी थाना क्षेत्र का है। इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक माकड़ी के करमरी छेपड़ीपारा का रहने वाला कवलू राम 42 वर्ष पिछले 10-12 सालों से हाइड्रोसील बीमारी से जूझ रहा था। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा था। इस बीच गांव के ही लक्षण यादव 37 वर्ष ने देसी इलाज करवाने को कहा, जिसके बाद लक्षण खुद मरीज को बागबेड़ा के एक वैद्य के पास लेकर गया, जहां वैद्य बबलू नेताम 45 वर्ष ने बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा करते हुए देसी इलाज किया, लेकिन मरीज की हालत और बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान कवलू ने दम तोड़ दिया था।